गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ये कंप्यूटर फंडामेंटल जो हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। इसमें मॉनिटर और प्रिंटर सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन मॉनिटर प्रिंटर डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए, कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और ये स्टोरेज डिवाइसेस, चार तरह की मेन डिवाइसेस होती हैं। बेसिक डिवाइसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, बस चार तरह की डिवाइसेस होती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस देखिए, ये आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सारी आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे वेब कैम है, वो भी आउटपुट डिवाइस, माइक्रोफोन वो भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आप सुनते हैं, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मोनीटर भी आउटपुट डिवाइस है, वेब आगे आ गया, स्पीकर भी, मोनीटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आप देखिए, आउटपुट डिवाइस में, एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विप्ड विद कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर इंग्लिश, हिंदी, इस तरह की ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। 0101 से बनती है, वो सिर्फ 0 और 1 से ही बनती है, उसमें और कोई करेक्टर, कोई डिजिट, कोई ABCD कुछ नहीं आती है। लेकिन उन्हीं 0-1 कोड्स को कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो बन जाता है फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या करता है, ये एक पहली बात है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, मीन्स सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर का मतलब है इसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर डिवाइस है, और विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कर देता है। जैसे सपोज आपने इसमें मॉनिटर है, मॉनिटर आउटपुट देगा हमें, हमने टाइप किया कुछ भी, जैसे 52 + 48। ठीक है, ये जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे प्लस करके, तो ये मॉनिटर के ऊपर 100 शो करेगा। तो कैसे शो करेगा, ये जो हमने 52 + 48 प्लस वाला लिखा कीबोर्ड में, और मॉनिटर पे आ गया 48 52 लिखा हुआ आ गया, वो सब मॉनिटर ही जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उन्हीं को कन्वर्ट करता है। तो हमें वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो 1 और 2 की तरह दिखते हैं या ABCD के दिखते हैं, वो कन्वर्ट करता है। तो मॉनिटर का काम होता है ये। ठीक है, इट कैन बी टेक्स्ट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो मॉनिटर या आउटपुट डिवाइसेस कोई भी हमें देती है, वो टेक्स्ट, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब फोटो हो गई, वीडियो हो गई, टेक्स्ट हो गया, ABCD हिंदी का। तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं, ये मॉनिटर पे या प्रिंटर पे जो चीज़ आ सकती है, वो सारा कुछ ये प्रिंट कर सकता है या आउटपुट हमें दे सकता है। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, और एक है प्रिंटर, एक है ग्राफिक आउटपुट डिवाइस होती है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम आती है, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस। फिर प्लॉटर्स होते हैं, देखो प्लॉटर्स बड़े बड़े नक्शे बनाने के काम आते हैं। स्पीकर्स जो है, स्पीकर भी आप सुनते ही हो, म्यूज़िक उससे सुनते हो नॉर्मली, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। अ न्यू टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इज़ बीइंग डेवलप्ड दीज डेज, नोन एज स्पीच सिंथेसाइजर। तो स्पीच सिंथेसाइजर भी एक डिवाइस जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, अ मैकेनिज्म अटैच टू द कंप्यूटर विच प्रोड्यूसेस वर्बल आउटपुट साउंडिंग ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन स्पीचेस। तो एक ऐसी स्पीच सिंथेसाइजर बना रहा है, जैसे आपने जो भी स्क्रीन के ऊपर आपका आउटपुट आएगा, तो वो कंप्यूटर जो है आउटपुट वो बोल के बताएगा। सपोज हमने बोला 58 + 42, तो वो बोलेगा द आउटपुट इज 100, ऐसे बोल के हमें बताएगा। ठीक है, तो बाकी आ गया हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मैंने पहले बताया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, OMR और ब्रेल रीडर है। इसके बारे में डिटेल स्टडी आपको अगर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में मॉनिटर और प्रिंटर ही है, लेकिन अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है तो आप नेट से देख के इसकी कर सकते हैं। तो हम मॉनिटर प्रिंटर पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा। तो आज के लिए मैं बस इसकी डेफिनेशन ही आपको बोलूँगा, ये जो पेज पूरा है ये बना लीजिए, मॉनिटर की और प्रिंटर की डायग्राम कोई बना लीजिए, इसे ये इसमें कुछ डायग्राम्स बना लीजिए। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा। तो कल से हम पढ़ेंगे इसके आगे के कि मॉनिटर क्या है या बाकी चीज़ें क्या हैं। ठीक है बच्चे, ओके, होमवर्क कर लो इसका। ओके बच्चे।